दोस्तों जितने भी नए यूट्यूबर हैं सबने अपना चैनल क्रिएट किया है। लोग लगातार अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और दोस्तों ज़्यादातर सभी के एक जगह सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है 4000 घंटे वॉच टाइम की। दोस्तों किसी के भी चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं होता है, बल्कि 1000 सब्सक्राइबर ही बहुत जल्दी पूरा हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं होगी हमारी, दोस्तों 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा ही नहीं। आज की वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो दोस्तों 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों केवल 22 दिनों में आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये सब आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप केवल 22 दिनों में अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों बस आपको थोड़ा सा काम करना होगा दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो आपको एंड तक देखनी है तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। दोस्तों वीडियो को स्किप किया तो आपका कोई भी पार्ट मिस हो जाएगा और वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप कोई भी सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको दोस्तों आपके चैनल पर 1 घंटे की वीडियो चाहिए। दोस्तों अगर आपके चैनल पर कोई भी 1 घंटे की वीडियो नहीं है तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है। प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको वो सभी वीडियो ऐड करनी है जो भी आपकी 1 घंटे के बराबर हो जाए, मतलब उनका टाइम ड्यूरेशन सबका 1 घंटे के आसपास हो जाए, तो आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में क्रिएट करके रख लेनी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट आपको क्रिएट करने के बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके। दोस्तों प्ले स्टोर में एप्लीकेशन आपको सर्च करना है मल्टी व्यू ब्राउजर। दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही बेटर एप्लीकेशन है दोस्तों, क्योंकि प्ले स्टोर पर जो भी एप्लीकेशन मिलते हैं दोस्तों वो बहुत ही वेरीफाइड होते हैं। और दोस्तों अगर आप क्रोम ब्राउजर पर जाकर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो वहाँ की कोई गारंटी नहीं होती है कि एप्लीकेशन कैसा है। प्ले स्टोर पर जो भी एप्लीकेशन मौजूद होते हैं दोस्तों वो सभी वेरीफाइड होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाकर मल्टी व्यू ब्राउजर है दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन के रिव्यू पढ़ सकते हैं जो भी लोगों ने दिए हैं दोस्तों। ये इसको सभी लोगों ने दोस्तों 5-स्टार रेटिंग दी है, 4-स्टार दी है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसलिए दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसे ओपन करना है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ से दोस्तों आप ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर डबल स्क्रीन और 3 स्क्रीन दोस्तों 6 स्क्रीन दोस्तों यहाँ पर आप 6 ब्राउजर और एक साथ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो दोस्तों आप अपनी प्ले करेंगे दोस्तों वो 6 जगह प्ले होगी एक साथ। इसके बाद दोस्तों आपको एक ब्राउजर में दोस्तों यहाँ पर गूगल नज़र आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। YouTube ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपने चैनल का नाम सर्च करना है, वहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट को ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्लेलिस्ट को प्ले कर देना है। दोस्तों इस तरह से आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर 6 स्क्रीन कर लेनी है दोस्तों, 6 ब्राउजर आपको ओपन कर लेने हैं और दोस्तों 6 के 6 ब्राउजर पर आपको अपनी प्लेलिस्ट प्ले कर देनी है। तो किसी भी ब्राउजर को बड़ी स्क्रीन पर करके यहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं और प्लेलिस्ट एक एक ब्राउजर में ओपन करके प्ले कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपको 3 लाइन पर क्लिक करके दोस्तों आप 3 स्क्रीन हैं, 2 हैं और 6 हैं, 2 6 ब्राउजर पर आपको अपनी एक साथ प्लेलिस्ट ओपन करनी है दोस्तों और इसको प्ले कर देना है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि एक ही ब्राउजर पर वीडियो प्ले होगी और बाकी 5 जगह बंद रहेगी, जिस पर भी हम क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी और बाकी 5 ब्राउजर हमारे हैं जो भी स्क्रीन है दोस्तों वो बंद हो जाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो स्क्रीन है यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर जो लिखा रहता है टैप टू अनम्यूट दोस्तों इसको आपको अनम्यूट नहीं करना है, आपको वॉइस नहीं सुननी है। आप ब्राउजर की स्क्रीन पर क्लिक करेंगे दोस्तों वो वीडियो प्ले हो जाएगी और बाकी बंद हो जाएगी दोस्तों, फिर आप बोलोगे कि मेरी वीडियो प्ले नहीं हुई है। दोस्तों इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको ध्यान देना है, मेरी बात सुनिए, आपको दोस्तों बाद में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करके 6 ब्राउजर पे प्लेलिस्ट प्ले कर देनी है, लेकिन आपको कोई भी ब्राउजर पर क्लिक करके अनम्यूट नहीं करना है। कहीं आप सोचो कि मैं मेरी आवाज़ सुन लूँ, तो आवाज़ आप सुनो चाहे मत सुनो दोस्तों उससे कोई भी समस्या नहीं है, आपको दोस्तों आवाज़ सुननी ही नहीं है बस, लेकिन आपको वीडियो प्ले करनी है, उसी से आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। दोस्तों आपकी 1 घंटे की वीडियो है वो 6 जगह प्ले होगी, यानी 1 घंटे जब आपकी वीडियो प्ले होगी तो दोस्तों आपको एक मोबाइल से 6 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका एक दिन में 6 घंटे वॉच टाइम बहुत ही कम है दोस्तों, अब आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपके घर में 3-4 मोबाइल होंगे दोस्तों, कम से कम 5 मोबाइल की आपको आवश्यकता होगी, तो दोस्तों 5 मोबाइल आपके घर में आसानी से मिल सकते हैं। तो 5 मोबाइल में दोस्तों आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको दोस्तों मॉर्निंग में और इवनिंग की शिफ्ट में 2 बार ये प्रोसेस करना है। आप मान लीजिए दोस्तों सुबह 6 से 9 3 घंटे आपको अपनी वीडियो 5 मोबाइल में इसी तरह से प्ले करनी है और 3 घंटे शाम को आपको अपने मोबाइल को प्ले करना है। तो दोस्तों 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को आपको 5 मोबाइल में अपने मल्टी व्यू ब्राउजर में वीडियो प्ले करनी है दोस्तों, ये सेम प्रोसेस आपको 5 मोबाइल में करना है। दोस्तों जब आप अपनी 1 घंटे की वीडियो को अपने 6 ब्राउजर में प्ले करेंगे दोस्तों आपका एक टाइम में यानी 1 घंटे में आपका वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ दोस्तों 6 घंटे। और दोस्तों अपने एक मोबाइल से आप अपने 3 घंटे तक लगातार वीडियो को प्ले करेंगे तो दोस्तों आपका वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ दोस्तों
6 से 18 घंटे। दोस्तों जब आप अपने 5 मोबाइल का यूज करेंगे दोस्तों तो एक मोबाइल से आपको मिल रहे हैं 18 घंटे, और दोस्तों आप 5 मोबाइल का यूज करेंगे तो दोस्तों आपको मिले 90 घंटे। दोस्तों इसी तरह से आप 3 घंटे अगर आप अपनी वीडियो को 5 मोबाइल में प्ले करेंगे दोस्तों इसी सेम प्रोसेस से, तो दोस्तों आपको 3 घंटे के अंदर मिलेंगे 90 घंटे का वॉच टाइम। और दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आपको इवनिंग में भी यही प्रोसेस करना है, इवनिंग में भी आपको 3 घंटे देने हैं दोस्तों। तो 3 घंटे में आप अपनी 5 मोबाइल में वीडियो प्ले करेंगे दोस्तों, 90 घंटे आपको सुबह मिले थे, 90 घंटे ही आपको शाम को मिलेंगे। तो टोटल दोस्तों आपको पूरे दिन में वॉच टाइम कंप्लीट हुआ 180 घंटे। दोस्तों जब आप 180 घंटे का वॉच टाइम डेली कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने में आपको केवल 22 दिन लगेंगे। दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि एक मोबाइल से मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो दोस्तों 5 मोबाइल का जब आप यूज करेंगे तो दोस्तों 180 घंटे दोस्तों पर डे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम 22 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम केवल 22 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, मल्टीव्यू ब्राउजर में आपको प्लेलिस्ट ही प्ले करनी है और एक घंटे की वीडियो प्ले करनी है। लेकिन दोस्तों किसी के पास अगर 5 मोबाइल घर में अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों 4 मोबाइल का यूज कीजिए, 3 का कीजिए। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का अगर आप यूज करेंगे तो दोस्तों उतना ही जल्दी आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा, क्योंकि दोस्तों एक मोबाइल से तो वॉच टाइम कंप्लीट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों 4 या 5 मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है, वो घर में आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको 5 मोबाइल का तो यूज करना ही होगा दोस्तों आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस तरह से वॉच टाइम कंप्लीट करने में तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस तरह का यूज करके आप अपने वॉच टाइम जरूर से जरूर कंप्लीट करें। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।